आज का वीडियो में हम लोग विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में विटामिन सी का रोल क्या है? अगर किसी वजह से विटामिन सी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? और दूसरा चीज़ ये है, आप पता कैसे लगाएंगे कौन सा फूड में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है या कौन सा फूड में कम? और अंत में बात कर लेंगे एक नॉर्मल आदमी को आम जीवन जीने के लिए दिन भर में कितना विटामिन सी लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले विटामिन सी हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको ताकत पर बनाए रखती है, जिसके वजह से कई तरह का संक्रमण और कई गंभीर बीमारी से आप बच सकते हैं। अगर किसी भी वजह से हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो इससे आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं और आपको संक्रमण जो है वो घेरने लगती है। विटामिन सी की और एक बड़ी खासियत यह है, यह हमारे ब्रेन को मजबूत बनाए रखती है यानी ताकत पर बनाती है। और ब्रेन में बनने वाली एक किस्म का केमिकल जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, इसको भी पैदा करने का काम विटामिन सी ही करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन और भी तेज काम करता है और स्वस्थ रहता है। दूसरा चीज़, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। एक स्टडी में पाया गया है हमारे शरीर में कई ऐसे गंभीर बीमारी होते हैं, खासकर कैंसर और हार्ट की बीमारी। इन सब बीमारी के पीछे फ्री रेडिकल्स का हाथ होता है और विटामिन सी इन फ्री रेडिकल्स को घटाने का काम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से बचाता है। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार के घाव यानी संक्रमण होते हैं तो विटामिन सी इन घाव भरने का भी काम कर देता है। विटामिन सी का चौथा जो बड़ा फायदा है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। हम लोग जो खान पान करते हैं फूड के साथ, हमारे शरीर में कई किस्म का केमिकल्स और पेस्टिसाइड जाते हैं जो टॉक्सिन के रूप में धीरे धीरे करके जमा होता है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ने लगे तो इससे आपका रक्त संचालन में बाधाएं प्राप्त होती है और कई तरह का गंभीर बीमारी भी आपको हो सकती है। और विटामिन सी इस टॉक्सिन को पूरी तरह से हमारे शरीर से रिलीज करने का काम करता है और बॉडी डिटॉक्स करता है। विटामिन सी का पाँचवा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कोलाजन, यानी विटामिन सी कोलाजन पैदा करने का काम करता है। और कोलाजन का अहम रोल ये है, ये हमारे त्वचा में निखारपन लाता है और त्वचा को मुलायम करता है, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर ग्लोइंग होने लगती है। साथ ही साथ हमारे बाल को भी मजबूत करता है और नाखून के हेल्थ के लिए भी विटामिन सी बेहद ही एक ज़रूरी तत्व है। अब बात करेंगे विटामिन सी की मात्रा के बारे में, यानी एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए हर रोज़ कितना विटामिन सी लेना होगा। तो एक पुरुष व्यक्ति को 90 mg और महिला को 75 mg विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हर रोज़ जो खान पान करते हैं वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इससे आपका जितना ज़रूरत है उतना आ जाता है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हर रोज़ अपने डेली रूटीन में यानी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखना है, जिससे आपका विटामिन की जो ज़रूरत है वो पूरा हो सके। लेकिन आप पता कैसे करेंगे कौन सा फूड में विटामिन सी मौजूद है? तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, उस फल या सब्जी में खट्टापन या कसापन ज़्यादा होगी, खासकर जो साइट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि संतरा, नींबू, अनारस। कई किस्म का ऐसे बहर भी होते हैं जिसमें खट्टापन और कसापन ज़्यादा होती है। इस साइट्रस फ्रूट का एक खासियत यह है, इसमें एसिटिक मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपको सेवन के समय एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आप इसको दिन में ही सेवन करें और रात में इसको बिल्कुल ना करें। क्योंकि रात में अगर आप इस साइट्रस फ्रूट का अगर सेवन कर लेते हैं यानी खट्टा खा लेते हैं तो आपको एसिडिटी गैस की समस्या हो सकती है। दोस्तों उम्मीद है विटामिन सी के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।